झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के बाद अब बीजेपी हेमंत सोरेन की पोल खोलने के लिए झारखंड के सभी प्रखंडों में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में दुमका जिला के सभी प्रखंडों में बीजेपी ने धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी ने लोगों के समक्ष हेमंत सोरेन सरकार के खनिज लूट के मुद्दे को उठाते हुए अगले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया। नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स को भी निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के तरफ से 7 से 13 तारीख तक झारखंड के सभी प्रखंडों में हेमंत सरकार के खिलाफ, हेमंत सरकार जो अभी आदिवासियों को लूटने का काम कर रही है, यहाँ जो है खदानों को लूटने का काम कर रही है, कोयला है, पत्थर है, बालू है, लकड़ी है, पत्ता है, इसको लूटने का काम कर रही है, आदिवासियों को लूटने का काम कर रही है और पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैल गया है। सभी क्षेत्र के जितने भी अफसर हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सभी लूटने में लगे हुए हैं, माने निरंकुश हो गए हैं। यहाँ जंगल राज कायम हो गया है और यहाँ स्थिति बद से बद। बीजेपी जमीनी स्तर पर कार्यक्रम चलाकर हेमंत सोरेन सरकार के लूट का पर्दाफाश कर रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। झारखंड में इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अपना दबाव बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष जहाँ सदन में अपना दबाव बनाने का प्रयास किया, तो वहीं विपक्ष अब सत्ता पक्ष के लोगों की खामियां को प्रत्येक प्रखंड में जा जाकर उजागर कर रही है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।